I've never said this before in an interview, but they used to ask me on the phone, और मेरे को बहुत क्रास लगता था, are you good looking or are you a character? So my answer used to be, I'm a good looking character. Nicely done, nicely done. अगर आप YouTube, Facebook और social media पर बहुत time spend करते हैं, there is no way that you don't know about the Bombay journey on Mashable India. और the Sunday brunch on Curly Tails. तो आज हम ना कोलैब का कुछ धमाल करने वाले हैं, कुछ अच्छा खाएंगे, मुंबई की बातें करेंगे in this gorgeous Škoda Slavia. Absolutely, and because it's Sunday brunch, this has to be followed by a delicious brunch, Siddharth. और आज हमारे जो celebrity हैं, well, he is a very talented actor. Be it playing Sunil Gavaskar in 83 or a negative role in Mardani, he seems to be acing it all in theaters as well as OTT. तो अगर आपने guess कर लिया, तो comments में बता दो हमें और questions पूछ लो. Hi Tahir, welcome to the Bombay Journey and the Sunday Brunch. This is outstanding. I'm a bit nervous because this is like an interrogation with two hosts at the same time. Absolutely, and we are all prepared. बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए. I know, I can. I saw like slips of papers with like questions written on them before I got here. So, little tense about how this is going to go. Now we've got the amazing Škoda Slavia. हम लोगों ने sunroof खोल लिया, तो nice sun hitting your face. Outstanding. जब भी ऐसा हो ना. अलग-अलग लाइट लेते रहना बिल्कुल है ना बस कामे आर यू कंफर्टेबल इन द बैक वेरी कंफर्टेबल इनफ लाइक रूम फॉर मी चलो हाउ आर यू ताहिर आई एम डूइंग सुपर सिद्धार्थ तो हम लोग मुंबई में चलते चलते यहाँ की जगहों की बात करते रहते हैं बिल्कुल हम हैं वर्सोवा के फिशरीज रोड पे जी अभी किधर जाएं राइट जाएंगे बाहर निकलना है ना वर्सोवा हाँ. आप जब बॉम्बे आए वर्सोवा में ही रहते थे या कहीं और शुरुआत कहाँ से हुई मैं बॉम्बे आया था एक दोस्त से मिलने जो एडी था उस कब की बात है ये बात है 2010 की और मैं ऐसे छुट्टी पर आया था मेरे पास दो तीन हफ्ते थे तो मैं पहली बार उसने बोला कि कहाँ मिलना है तो उसने बोला वर्सोवा तो वर्सोवा में मैं मतलब ट्रेन से आया था फिर बस लेकर पहुंचा था मैं अपना डीएन नगर तक फिर वहां से ऑटो लिया और मिला था यहाँ पर अपना वर्सोवा की जो 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 बीच है ना उस एरिया पर वहां पर एक कैफे है बाहर की तरफ ना और वहां पर मैं पहली बार लैंड हुआ था और मैंने देखा था ये जगह है वर्सोवा और उससे पहले मैंने वर्सोवा को सिर्फ 70s की पिक्चरों में जब स्मगलिंग हुआ करती थी ना तो वो बोला करते थे सोना कहाँ लाना है वर्सोवा बीच पे वर्सोवा बीच पर एक छोटी सी नाव आती थी तो आई वॉज वेरी Awestruck by then कि यार एक फिल्मी जगह वर्सोवा वहां देखने आए फिर जब जेटी पर बैठा और मड आइलैंड पहुंचे और उसके सेट पर और इत्तेफाक से वो शूट कर रहे थे बच्चन साहब के साथ तो जब मैं पहली बार पहुंचा लंच ब्रेक था एंड अमिताभ बच्चन विद 4 सिक्योरिटी गार्ड्स वॉक्स आउट ओवर देयर एंड आई वाज दिस इज लाइक डे 1 वीक 1 दिस इज डे 1 वीक 1 इन बॉम्बे दिस इज लाइक द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर थिंकिंग कि यार मूव करें कि ना करें और फिर जब ये आपको टीजर दिखता है इस दुनिया का तो आई एम लाइक बस सोल्ड कामे वेयर आर वी गोइंग वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस वी आर गोना एंजॉय सम मेडिटेरेनियन एंड टर्किश फूड एट बेरूत जुहू चलो साउंड्स अमेजिंग लेट्स यूज दिस वहीं का नेविगेशन डाल सकते हैं अभी अमेजिंग इंफोटेनमेंट टू डू दैट एंड वी सेट सो ताहिर यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पायलट्स Yeah. आपके डैड दादाजी आपके भाई सब पायलट हैं तो जब आपने उनको बताया आपको हीरो बनना है व्हाट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन रिएक्शन के ग्रेड्स थे मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक रिएक्शन था द फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट्स विद शॉक कि आर यू सीरियस लाइक देन द सेकंड रिएक्शन आई एम फ्रॉम अ वेरी सपोर्टिव फैमिली लाइक ऐसा कुछ मतलब मैं घर से लड़के या कुछ लोगों की कहानी होती है ऐसे बिल्कुल नहीं था बट देन देयर इज अ लेट्स ह्यूमर हिम लाइक मे बी ही जस्ट वांट्स टू ट्राई इट आउट कुछ जा 6 महीना अपना ट्राई कर ले सो द सेकंड रिएक्शन वाज दैट बट द थर्ड रिएक्शन व्हिच वाज एक्चुअली सपोर्टिव था बट इट वाज नेसेसरी कि इफ यू आर गोइंग ना तो स्टडी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट्स अ वेरी आई वुड से इट्स अ वेरी डिफेंस वे ऑफ थिंकिंग इंडियन आल्सो ना इंडियन आल्सो कि जा रहे हो तो ऐसे अंधाधुंध जाके नहीं प्रिपेयर हो सो आई वेंट टू डू माय मास्टर्स इन मेलबर्न दिस वाज इन फिल्म एंड स्क्रीन राइटिंग एंड एक्टिंग एंड इट वाज एन अमेजिंग ईयर एंड आई और आप बैचलर्स इसमें किए थे पॉलिटिकल साइंस हाँ, में किए थे और पर मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस और एक्टिंग का बहुत कम लेना देना है तो प्लीज नेवर डू पॉलिटिकल साइंस थिंकिंग यू वांट टू बी एन एक्टर और नेवर बिकम एन एक्टर थिंकिंग दैट हैव आई डन पॉलिटिकल साइंस तो देखिए सिंपल सा सीन है कि आप मेलबर्न में रहे For the people watching this, Melbourne में ना एक दिन में 5 सीजन हो जाते हैं, है ना? Yeah, that's impressive. बहुत लोग ये जानते नहीं हैं. हाँ, तो अगर आप मुंबई आए, तो फिर आपको बारिश-बारिश जैसा टिचका नहीं लगा? मतलब ये तो देख के आए, ऐसा लगा? बॉम्बे की जो बारिश होती है ना भाई आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते क्योंकि बाकी सारी सिटीज में एक ड्रिजल होती है और लोग ऐसे छाते वाते वो खोल लेते हैं पर बॉम्बे की बारिश सहने के बाद
आप दुनिया के किसी भी शहर में रह सकते हैं. या बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ, दो चीजें बॉम्बे की हमेशा याद रहेंगी मुझे. तीन चीजें एक्चुअली. एक तो जिस तरह रिक्शे वाले ड्राइव करते हैं, जिस तरह गणपति का जोश, क्योंकि और किसी शहर में आई डोंट थिंक, और बॉम्बे की बारिश. परफेक्ट. या लेकिन फिर भी अगर आप लोकल ट्रेन या बस में जाएं, फिर तो और हालत खराब. बट हैव यू डन दैट? हैव यू ट्रैवल्ड बाय लोकल ट्रेन्स और बस एनी टाइम? यू नो, बिकॉज़ आई हैव लाइक आई चोज टू लिव इन एन एरिया इंटेंशनली जहां पर सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस हो. फॉर्चुनेटली आई हैव कंप्लीटली स्किप्ड दैट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज द ट्रेन या तो वो बॉम्बे में बहुत दूर रहते हैं अपने काम से, या वो उन्होंने कॉलेज यहाँ पर किया हो जहाँ पर दे हैव टू गो इनटू टाउन और दे हैव टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस. सो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फाइट जो मैंने कम्प्लीटली स्किप किया हुआ है. चलो नीट है. अच्छा थोड़ा गर्मी लग रहा है, मैं सीट कूलिंग चालू कर रहा हूँ. सीट कूलिंग प्लीज एक्सप्लेन. ये ना पीछे और पीछे से. अच्छा मस्त आपको नीचे से मस्त हवा आएगा. हे आई कैन फील इट. दिस इज अमेजिंग, स्पेशली इफ इट्स अ लाइक बॉम्बे टाइप ह्यूमिड क्लाइमेट. या आपने किया था मीडिया स्टडीज? Yeah. And a master's in that too. Yeah. तो भी ऐसा मन नहीं किया क्या? I mean like while in college were you ever asked कि भाई आप serious media job करेंगे और अगर करना चाहते तो क्या करते? Actually ना दिल्ली में just after Hindu College and Political Science I had spent a year working in a TV production house. What is it? In a news production house. Yeah. As really? What? Same here. Really? हाँ, मैं भी news channel में थी. Yeah. So you were presenter? I used to do copywriting and they had a show for university. In that TV station where you used to go into colleges with cameras and interview people and talk to them about college life. Vox Pops. So cool. Yeah, exactly. Vox Pops. I like that. I have like a TV person here who can. Yeah. So VOVT, Vox Pops, ये सब हमारा लिंगो हुआ करता था. और Vox Pop में ना इजी नहीं होता, ऐसा लगता है आपको रास्ते में मिल गए, सब लोग बात करने के लिए रेडी थे, कोई नहीं बात करना चाहता. और वो ना शायद पहले दिन आपसे बात कर ले, दूसरे दिन पर जब आप अगेन बॉम्बे के बारिश की तरह जब आप दूसरे हफ्ते तक पहुंचते हैं वहां पे सब लोग भागने लगते हैं, तो पकड़ना पड़ता है. यार इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट मैटर, यू नो, यू पिक and choose those moments and they change your life so much. Yeah. So then Bollywood kaise hota hai? Pehli wo jala wo click kaise hua? 2012 mein kuch kiya tha aapne na? So jab main pehli baar yahan par aaya kuch idea nahi tha. तो एक दोस्त था, उसकी girlfriend थी जो modeling करती थी और उसको पता था कि कहाँ पर जाकर क्या audition. And I don't want to sound old when I say this, but when I came, casting used to happen with hard copy photographs. So she told me about this concept of casting coordinators, who are the people who bridge you to a casting director. So that was the first 3 months, is that you just call up the casting coordinator and try and meet them with your photographs. I've never said this before in an interview, but they used to ask me on the phone, aur mere ko bahut crash lagta tha, are you good looking or are you a character? So my answer used to be, I'm a good-looking character. Nicely done. Thyroid would have taken some time, right? Kaam milne mein, wo struggle mein, and at any point did you think, yaar, chodo yaar, ab ghar chala jata hu wapas? Again, bhari sawal. I'm seeing what's happening. This is a good cop, bad cop situation, guys. Sare, matlab nice, Bombay ki barish, this thing, aur yahan pe sare psychiatry wale, like hard questions will be here. So yes, in answer to your question, Amiya, bahut time aisa tha jab काम नहीं मिला था. एंड ऑल्सो आईड कम विद सम सेविंग्स इन ऑस्ट्रेलिया. व्हाट यू कैन डू व्हाइल यू आर स्टडिंग इज यू गेट 20 आवर्स अ वीक टू वर्क. सो आई यूज्ड टू वर्क इन अ कैफे, दैट्स व्हेयर माय लव फॉर कॉफी स्टार्टेड, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एज अ बरिस्टा एंड लाइक सर्व कॉफीज टू एवरीवन. एंड आई अंडरस्टूड, या टुडे व्हेन आई सी माय स्पॉट बॉय स्टैंडिंग ऑन सेट, आई हैव बीन देयर इन अ डिफरेंट फॉर्म, बट आई हैव बीन होल्डिंग कॉफी फॉर समवन एंड आई नो व्हाट इट्स लाइक. तो 2008 में आप आए, 12 में मर्दानी आई, ये बीच की बात बता दो थोड़ी सी. जब व्हेन आई थिंक अबाउट दैट टाइम नाउ ना, तो बहुत लोग उसे स्ट्रगलिंग फेज कहते हैं. यस, और ये मैंने काफी टाइम पहले भी कहा है, आई लुक एट इट एज एन एस्पायरिंग फेज, बिकॉज़ स्ट्रगलिंग में एक वो नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फेज, क्योंकि जो लर्निंग आपकी डाउन फेज में होती है ना, वो कभी आपके हाई फेज में नहीं हो पाएगी. वही सबसे मुश्किल भी होता है, यू नो, आई मीन इफ यू स्टे इन दोस इयर्स इज व्हेन यू कैन एक्चुअली सस्टेन फॉर लॉन्गर, यू नो दैट. It's so right, because I feel like Bombay ka ek apna ek filter system hota hai. She has a way of telling who is here just to give it a hit and try or is here for the wrong reasons. Yeah. Ki main aunga ya aungi, paise kamaungi, fame kamaungi aur gaadi nikal padegi. Versus aap wo tapasya karne ke liye tayar hai ki nahi hai. To yahan ki bhai Juhu beach pe aate the kya kabhi? Oof, all the time. Versova beach, Juhu beach. These were, matlab if like Monday to Friday used to be your hecticness of
like you know going to screen test, trying to get meetings. Juhu yeah. Beach and Versova Beach used to be, especially agar aap weekend pe subah subah yahan par aao na, it's that one place of calm in in Bombay. So Friday, Monday se Friday ek tarah ka kaam, yahan par the other type of kaam. Chilling, 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 chilling. Khane ki baat karte hain. जब भी आप आए मुंबई का खाना क्या पसंद है आपको, और जब आप आए did you try the regular वड़ा पाव, मिसल पाव? Of course, like मतलब कौन नहीं ट्राई करता. First of all, I'd just like to give a shout out to मेरे दिल्ली के लोग भी, क्योंकि जब सबसे पहले इंसान दिल्ली से बॉम्बे आता है ना, तो what you miss is अपने दिल्ली का खाना. But it takes you about a year to understand कि बॉम्बे का खाना and बॉम्बे का सीजनल होता है. मानसून में जो आपको भजिया मिलता है और जो मतलब वो एक अलग लेवल का गर्मी का जो नारियल पानी होता है, इट्स लाइक द स्वीटनेस इंक्रीजेस. क्या है फेवरेट बता दो. अभी तो मेरे मुंह में पानी आ गया. हम तो मेडिटेरेनियन खाने जा रहे हैं. स्ट्रीट फूड की बातें क्यों कर रहे हैं. यू डिड मर्दानी विद YRF. या पहली पिक्चर YRF के साथ होना, और वैसा इतना आपको सैलाब हो गया क्या काम का, मतलब रानी मुखर्जी के साथ पहली पिक्चर आई है तो मतलब सब कॉल आ रहे हैं, ऐसा हुआ? पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इट वॉज विथ YRF, इट वॉज विथ प्रदीप सरकार, रानी मुखर्जी. पहले दिन गया मैं सेट पर, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है तू? तो मैंने उनको बताया कि भाई साहब मैं फिल्म में मैं कर रहा हूँ. हाँ, द प्रोडक्शन वॉज वेरी नाइस, एक अपना सिक्योरिटी वाला रखा गया था, तो फिर आके सॉरी वॉरी बोला था. बट दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट सेट, कि सिक्योरिटी ने रोक लिया अपने ही सेट पर. आप मुझे ये जानना है कब लगा कि आप फेमस हो चुके हैं. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम? जब मुझे लगा कि हो गया फेमस लड़का, वॉज एक्चुअली स्ट्रेट आफ्टर मर्दानी, वेयर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स गॉट ऑन टू अ फ्लाइट. आई वॉज फ्लाइंग टू दिल्ली आई थिंक वन वीक आफ्टर मर्दानी, और मैं फ्लाइट पे चढ़ा. सो थ्री गर्ल्स गॉट ऑन, आई डोंट नो वेदर दे वर फ्रेंड्स और सिस्टर्स, एंड दे वॉन्टेड अ फोटोग्राफ. सो क्योंकि उस वक्त सब बोर्ड कर रहे थे, तो मैंने बोला उतर के करते हैं. But they were like 13, 14 years old. But they would not move to their seat unless they got a picture. And oh wow! All the other passengers were waiting, and it was humbling, it was overwhelming, and it was surreal all at the same time. Line में बैठे-बैठे झंडा गाड़ दिया. बिल्कुल. Yeah. अरे one liners तो भाई साहब आप देते हैं. You've done a film which where you were an antagonist. Yeah. And then you've done recently the Lubla Peta bits, which are extremely comical in very weird manners. Yeah. And then of course. आंखें भी. हाँ, I mean, ये गाली गाली आके तो फुल रोमांस, मतलब भाई टेंशन में आदमी कि इधर जाओ कि उधर. तो व्हाट आर द चॉइसेस दैट रियली मैटर, यू नो, वेयर इज योर हार्ट नाउ, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, व्हाट डू यू वांट टू पिक एंड चूज? सो लाइक यू फ्रेम द क्वेश्चन रियली वेल, बिकॉज़ व्हेन यू डू समथिंग वेल ना, देन द डेंजर, आई मीन द ग्रेट थिंग इज द रिकॉग्निशन. द डेंजर इज टू गेट रीकास्ट, और पीपल वांट यू टू, इट इज शो बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. अगर हाँ, अभी एक चीज अच्छा काम करती है, तो हर प्रोड्यूसर हर स्टूडियो चाहता है कि उसकी स्क्रिप्ट अगर उस तरह की हो तो उस लड़के को आके पकड़ो. सो द बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर मर्दानी वॉज हाउ डू यू नाउ डू अ वराइटी ऑफ रोल्स. तो द चैलेंज आफ्टर मर्दानी वॉज की अलग अलग चीजें कैसे करें. दैट इज वेयर द चॉइसेज रियली कम इन, क्योंकि बॉम्बे में ना, एक मुंबई में एक चीज है कि द थिंग्स यू से नो टू आर एज इम्पॉर्टेंट एज द थिंग्स दैट यू से येस टू. क्योंकि यहाँ पैसे कमाना एक टाइम के बाद आसान हो जाता है, पर पैसे वो चीजें करके करते हुए कमाना जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, वो मुश्किल होता है. सो आफ्टर मर्दानी आई रिमेम्बर देयर वाज फोर्स 2 व्हिच वाज ग्रेट फॉर मी, क्योंकि एक्शन फिल्म थी जॉन के साथ. उसका जो पिच दिया गया था, हम बुडापेस्ट में शूट करेंगे, रूफटॉप पर आपका चेस सीक्वेंस होगा, एंड आई वाज लाइक यार मतलब दिस इज लाइक एवरी बॉयज ड्रीम कम ट्रू, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ यू हैव, मतलब ये देख के बड़े हुए हैं ना. तो वो किया. उसके बाद मंटो नाम की एक फिल्म थी जो नंदिता दास ने डायरेक्ट की. पूछने वाला था मंटो वाली बात. या तो उसमें पिच ये था कि आपके सारे सीन्स जो है वो नवाज के साथ होंगे, वन ऑन वन. एंड नवाज भाई का मैं उस वक्त फैन था, अभी भी हूँ. एंड आई वाज लाइक दैट इज फक मैन, दैट इज लाइक एन एक्टिंग क्लास, लाइक ये तो ये चाहिए. एंड हम गुजरात के गाँव में शूट कर रहे थे. एंड एक दिन मैं बहुत फ्रेजल्ड लग रहा था, क्योंकि शायद मेरे वैन में एसी काम नहीं कर रहा था, मतलब. और नवाज साथ में था, नीचे इधर आ. एक बात याद रखना, अच्छी फिल्में जो है ना ऐसे भी बनती है. तो बस दैट्स ऑल ही सेड कि इट डज. एंड उस एक लाइन में बहुत बड़ी सीख थी. एंड विद इन 8 months वी वेंट फ्रॉम द विलेजेस ऑफ गुजरात टू वॉकिंग द कान का रेड कार्पेट, मतलब तीसरी फिल्म है. चलो भाई ये बात बताओ, मुंबई की स्लैंग
क्या क्या वर्ड्स अच्छे लगते हैं, क्या भाषा क्या बोलते हो आप? अरे ये तो मतलब ये भी समझने में थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि जब आप पहली बार अपने भाजी वाले को फोन करते हैं जब मतलब डिलीवरी के लिए या जाते हुए बोलते हैं कि भाई थोड़ा आलू देना, उसको समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बटाटा कहते हैं. Exactly. तो आलू प्याज जब आप मंगवाते हैं घर पर और फोन करके बोलते हैं तो उन्हें पहले ही लग जाता है कि आप या तो दिल्ली से या कहीं कहीं 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा. हाँ, ये बहुत क्लीन क्लीन बातें कर रहे हो, गाली गलौज की बात करनी है आप, मतलब कौन सी गाली फेवरेट है ये बता दो. अच्छा, वैसे सबसे पहले तो सब लोग ये गानों में हुआ है बहुत, दिल्ली में जब आप गाली देते हो तो वो गाली नहीं होती, मतलब अगर आप कह रहे हो कि क्या करा वेंचर, मतलब ये मैंने आपको वेंचर नहीं बोला, नहीं है, इट्स एंडियरिंग टू सी दैट पीपल जनरली आर मोर, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री विद दिस, आई कुड गेट अ लिटिल हेट फॉर दिस, बट आर कामर एंड लेस लाइक इन टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर. एक बार सेम ऐसा हुआ था जब मैं शुरू में आया था, एक ऑटो वाले ने दूसरे ऑटो के अंदर ऑलमोस्ट बैंक किया, तो अपना ऑटो वाला ऐसे उसको देखता कहता क्या, बोला कुछ नहीं सॉरी, मतलब ऐसे चेहरे में सॉरी बोला उसने, ठीक है ओके. तो ना सटल में क्लोजअप में खेल गए दोनों. ये दिल्ली में यही चीज होती तो मतलब 5 लोग इकट्ठे हो जाते, साइड्स हो जाते, या तो मतलब एक बोतल हॉकी स्टिक, मतलब अग्रेशन वहां पर आई वाज यूज्ड टू अ होल लॉट मोर. तो एक तो ऑटो वाला यहाँ पे मीटर से जा रहा है वो हैरान, ऊपर से पोलाइट भी हो रहा है, सो काइंड ऑफ यू. तो ये जो 3 बैक टू बैक आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में और सीरीज दे दी है, तो ये फटते नहीं है क्या, मतलब अभी कुछ इधर उधर चला गया तो अभी मतलब ये वाले को उस तक मैच करना पड़ेगा. हाँ, एक तरह से थोड़ा बहुत तो प्रेशर है, पर ये एक मैं कहूंगा एक अच्छे तरह का प्रेशर है, क्योंकि अगेन जब आपने कुछ साल ऐसे गुजारे हो जब एक कोई आपको जानता नहीं है, कोई किसी ने आपका काम नहीं देखा हुआ, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कट टू 8 साल बाद अभी एक्सपेक्टेशन हो गई है ना, तो आप या तो यू कैन क्रम्बल अंडर दैट प्रेशर और यू कैन बी मोटिवेटेड बाय इट. लोग समझते नहीं ये 3 बैक टू बैक रिलीजेस करने के लिए 2 साल के लिए आप नॉन स्टॉप शूट भी तो कर रहे थे, तो यू डिडंट नो यार मैं चीजें शूट तो कर रहा हूँ, ये रिलीज होंगी भी कहाँ होंगी. And then gradually, 83's release was announced, then Ye Kali Kali Aankhe, then Loop Lapeta, then Ranjish. So it was intended to be a wave ki ek ek karke aayenge, but it ended up being like this. Sailab. It's an explosion, exactly. When you're moving characters, yeah. कई बार ऐसा होता है कि पहले 2-3 दिन तक वो वाला आदमी इधर ट्रिकल हो रहा होता है. Yeah. तो ये हुआ है क्या? एक एक टाइम बहुत कंफ्यूजन हुई थी, तो Ye Kali Kali Aankhe के सेट पर ना फोकस पुलर का नाम सत्या था. सत्या मेरे लूप लपेटर के कैरेक्टर का नाम था. तो अगर मैं एक टेक देता था एज विक्रांत इन Ye Kali Kali Aankhe और फोकस में कुछ आउट हो जाए तो कोई पीछे से चिल्लाता था भोसड़ी के सत्या क्या कर रहा है तू, तो मेरे को लगता था यार इनको सत्या. तो फिर मैंने 2 दिन के बाद बोला भाई तेरा सेकंड नेम क्या है, उसने बोला शर्मा. मैंने बोला आज से तुझे लोग शर्मा बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों कैरेक्टर एक सेट पे कर रहा हूँ और दूसरे शो में फकअप, दूसरा पिक्चर में मैं फकअप कर रहा हूँ. अब ऐसा मन करता है कि मतलब अभी बहुत हो गया काम करके निकलो रोड ट्रिप पे. अभी बिल्कुल नहीं ऐसा लगता, बिकॉज एंड आई विल टेल यू क्यों ऐसा नहीं लगता, बिकॉज लाइक व्हेन आई एम ऑन सेट इट्स द हैप्पीएस्ट प्लेस दैट आई कैन बी. लोग ऐसे बात करते हैं बर्नआउट का या ओवर एग्जॉशन, बट आई फील लाइक अगर आप पेस कर ले अपने आप को, जरूरी नहीं है कि हाँ एक शूट खत्म हुआ अगले दिन शुरू किया, एक एक हफ्ते का गैप देकर. और उस एक हफ्ते में आप क्या करते हैं? उस हफ्ते में आई ट्राई एंड डेफिनेटली ट्रैवल, सोलो ट्रैवल इज ऑलवेज प्रेफर्ड. ये वाली बातें होंगी संडे ब्रंच पे. अच्छा, ये हमारा लीड इन. अरे वाह, मतलब भाई इन लोगों की जुगलबंदी, और ये कह रहे हैं कि कुछ रिहर्सल नहीं हुआ, मुझे कुछ लगता नहीं है क्या बात कर रहे हो यार. मैं फिस्ट बम कर रहा काम्या को. गुड सर. अरे वाह. बात की, अब हम आराम की बात करेंगे, खाने पीने घूमने फिरने की बात. ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू लाइक टू ईट? I like to eat everything, but what really gets me excited is Japanese food, Italian food and Lebanese food. क्या है ये खाएंगे अभी फिगर आउट होगा. यू मेंशन जब आप दिल्ली से मुंबई आए यू यूज्ड टू रियली मिस द दिल्ली फूड, है ना? तो यहाँ आकर आपको अगर दिल्ली फूड कभी आप क्रेव करते तो कहाँ जाते? देयर आर अ कपल ऑफ प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स व्हिच डू ग्रेट तंदूरी चिकन इफ यू वांटेड, देन देयर इज नाउ दैट हैव ओपनड अप ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स छोले भटूरे. यू इवन गेट बंटा सोडा वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट इन बॉम्बे. फॉर पीपल हु डोंट नो, इट्स अ सोडा बॉटल विथ लेमन एंड सोडा इन इट, और ऊपर एक कंचा होता है. सी यू नो नॉर्थ इंडिया व्हेन वी से कंचा, हम बोलते हैं गोली, कंचा होता है.
तो वो गोली स्लैश कंचा को आप पॉप करते हैं और उसमें से आपका दैट रिमाइंड्स मी ऑफ कॉलेज बेसिकली. तो हम बात कर रहे थे सोलो ट्रैवल की एंड हाउ यू मेंशन कि जब भी आपको ब्रेक मिलता इन बिटवीन योर फिल्म्स और यू नो फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर यू टेक टाइम आउट टू ट्रैवल. ये डिस्कवर मैंने किया था कॉलेज में बिकॉज दैट्स द फेज व्हेन आप गाड़ी लेके गेड़ी पे निकलते हैं और दिल्ली में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आगरा निकल गए, फतेहपुर सिकरी या तो जयपुर निकल गए. दीज आर लाइक 2-3 आवर ड्राइव्स अवे. सो आई रिमेंबर डूइंग अ मंथ लॉन्ग ट्रिप इन ईस्टर्न यूरोप. अच्छा, व्हिच वाज या मंथ लॉन्ग यूरो ट्रिप. सो यूरो ट्रिप, या and it was fun because everything, and again this is the pre social media pre app phase, so you're literally getting off with a lonely planet, traveling on a shoestring, figuring out abhi main kaun se hostel mein rahunga. I think this must have been when I was 18 or 19 years old. What was the worst kind of hostel experience you had? This is when I realized, because I did this for the first time when I was 18, then I went back when I was like 21 22, 3-4 saal baad, then again when I'd worked a little in Bombay 25 26. At 25, I realized that hostel nahi hoga. Because, you know, hostel, while it's very romantic that you all wake up in a dorm, you share a bathroom with 12 teenagers who've come like with different hygiene levels. And that's my worst experience, is when you go in and then the bathroom is clogged because of some person's hair. Oh, and mixed dorms was something that was very new. Yeah, that's fascinating for Indians. It's fascinating for Indians because over there, the inhibitions and the comfort that one has with another. Because I traveled all over. I started off with an all-boys school. And then I went to a co-ed school in Delhi. So that was a bit of a cultural change for me. Oh. Slash moving to Bombay, which was another cultural change. And then this travel of mixed dorms. You walk into a shower and there could be like people, like all sexes having a shower over there. It was just an experience. Talking of travel, we'll play a fun game. Yeah. Which is Drivometer. So good. Which is powered by Skoda Slavia. Which has been your most memorable trip? One thing I did just after the first lockdown opened was we went for a trek outside of Bombay. I'm trying to remember the name of the fort. Takmak Fort? Takmak? Takmak. Takmak Fort. Guys, let us know in the comments below. If you all know Takmak. What is it like? It is like, it's a 1 hour drive out of Bombay. If you go at 5 in the morning, it's 1 hour. If you go 9 in the morning, it's 2.5 hours. So we left at 4:30. Bunch of friends, we went straight after the monsoon. So like, you know what the ghats are like this up? It's like lush green. And you trek up for about 2 hours and you eventually come to this ancient fort. And it was super. And I had no idea that so much exists just a short drive outside of Bombay. Right. अगर आपको अपने किसी तीन कोस्टार्स को एक रोड ट्रिप या लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर जाना हो तो आप किन्हें लेकर जाओगे? वाओ, भारी सवाल. थ्री कोस्टार्स हु आई वुड वांट टू टेक. आई टेक श्वेता फॉर श्योर, श्वेता त्रिपाठी, बिकॉज शी इज जस्ट अ बंच ऑफ लव्स. आई टेक तापसी एज वेल. एंड आई एम थिंकिंग, आई थिंक जॉन वुड बी गुड. But John would probably want to be on a bike outside of the park. Three things that you would pack when you go on a road trip. My portable speakers, because music is important. Achha. Because you never know when you'll get out of the car and want to like hang and chill. Yeah. Water. Okay. That's such a boring answer, but it's true. Like, you can't go without. And again, sign of the times, but hand sanitizer. Okay. अरे बता देते, मैं चलाने दे देता हूँ. उतना भी नहीं. I can't do interviews and. Okay. Long drives or flights? Really depends who I'm with. Like if I need to get for a shoot, then of course flight, क्योंकि वहाँ पर पहुँच के सोना important है. Right. But if the company is good, then drive. Drive. Okay. दिल्ली की सर्दी या बॉम्बे की बारिश? उफ, ये तो खतरनाक. ये तो मतलब ये वाला भाई या वो वाली बहन, ऐसा वाला मतलब. खाना और पीने के लिए दिल्ली की सर्दी, क्योंकि जब मतलब आप लैंड होते हो वहाँ पर दिल्ली में, एंड देन यू हैव लाइक प्रॉपर कबाब्स एंड यू गॉट योर फेवरेट ड्रिंक विथ यू. आई एम कीपिंग दिस लाइक फैमिली फ्रेंडली, बट ड्रिंक्स से जो समझने वाले लोग समझ गए होंगे. एंड बॉम्बे की बारिश इज फॉर चाय एंड पकौड़ास, लाइक यू नो दैट्स व्हाट, व्हेन यू वांट योर भजिया, व्हेन यू वांट योर चाय और कॉफी. ड्राइविंग थ्रू माउंटेन्स या ट्रैकिंग? Trekking. Yeah. Oh, okay. Driving till like the trekking point and then and then trekking.
Yeah, I have the same answer. When you told me which trek, if you go to Prabalmaji, it's a tough trek. I've heard of that, it's a straight up mountain. Yeah. Yeah. And she's done like some 45 degree climbs also. Shit. Yeah, 90. Full matlab, pagla jaya. That's like rock climbing. Yeah. It was almost like rock climbing. Yeah, so Harihar Fort in Nasik, which is literally like that. Yeah. But that's also must have been like a 4-hour drive, right? To get to Nasik, yes. Okay. Yes. Melbourne time, you didn't do any road trips. We did a lot. And because there is the Great Ocean Road, yeah. Not a lot of people know that. Yeah. Yeah, Great Ocean. So a lot of my when you said road trips and college time, that's what I was thinking of. Like we used to rent a car and then go off on a day trip. And the Great Ocean Road is just outside of Melbourne, and it's got the most spectacular blue water. मतलब जिस तरह का पानी का रंग होता है वहाँ पे मैंने कहीं और दुनिया में नहीं देखा. क्या surfers भी रहते उधर आपने क्या? नहीं surfing मैंने नहीं की. Again. या तो आप कैफे में काम करके और पढ़ाई कर सकते हैं या तो आप वो फिल्मों वाली कौन सी फिल्म थी हम तुम या वन ऑफ देम वो शॉर्ट हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना करेक्ट हम तुम I just look back and I'm very grateful that it was the kind of park because we were together, we were shooting together, and it was just a phenomenal experience. I learned a lot from him. Ab tak ki to journey was interesting rahi hai Tahir, but what's lined up? Tell us about your upcoming projects. No, one of the things I'm very excited about is Ye Kali Kali Aankhe season 2. Because, you know, of course, when you get on a project, you don't know ki iska fate kya hoga. Correct. Again, hamein the week of release pata nahi tha, ye accept hoga ki nahi hoga. And when it gets greenlit, the writers are now writing, and you know, एक बहुत pressure की चीज़ होती है कि आपके weekend of release पर ही Instagram पे comments आने लगते हैं season 2 question mark है ना कुछ अच्छा बनाने में मतलब खाने की तरह उसको पकना ज़रूरी होता है and it's important for to give that gap but I'm very excited because it'll probably be the first time when I will go back and meet the people who you again. The people you have worked with we wish you all the best Tahir thank you it's been wonderful driving around Mumbai and having this delicious meal with you. So thank you so much. Thank you so much for having us. Yes, and we're drinking all virgin drinks. Cheers to our virgin drinks. I have to tell the audience that when I got in and I said, this is the first time you guys are doing this together, and they were like, we'll figure it out. So I hope by the time this comes out, we have figured it out. Cheers. Is it really the end until the dessert arrives? The dessert doesn't come. And wow, this dessert looks like something else. This is quite the presentation. Wow. Oh, next level. Thank you. Thank you. Damn. It's really good. Definite rose.